बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है रिपोर्टर्स डेस्क और मैं हूँ अली न्याजी। नाज़रीन, बाबा गुरु नानक उनके जो जन्मदिन की तकरीबात थी वो इख्तिताम पज़ीर हो चुकी हैं। डिप्टी कमिश्नर ननकाना राजा मंसूर अहमद और DPO इस्माइल रहमान खाड़क, उन्होंने इख्तितामी तकरीब में शिरकत की है। यह तीन रोज़ा तकारीब थी जो कि इख्तिताम भोग की रस्म से जो है वो हुआ है। सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान ने बेहतरीन तरीके से ना सिर्फ मेहमान नवाजी की बल्कि सिक्याती जो कि भारत और दुनिया के वक्त ममालिक से पाकिस्तान पहुँचे थे, बाबा गुरु नानक जो कि सिख मज़हब के बानी और जो सिक्यात्री हैं उनके रूहानी पेशवा भी हैं, उनके जन्मदिन की तकरीबात के हवाले से वो यहाँ पर मौजूद थे। बेहतरीन तरीके से उनकी मेहमान नवाजी की गई और उनकी जो मज़हबी रसूमात उन्होंने अदा करनी थी उन्हें भरपूर मौका फराहम किया गया ताकि वो आसानी से, आराम से और पूरे इत्मीनान तरीके से अपनी मज़हबी रसूमात अदा कर सके। अब ये तकरीब जो है वो इख्तिताम पज़ीर हो चुकी हैं। इस हवाले से हम बात करते हैं, हमारे साथ हैं अब्दुल हमीद चौधरी। अब्दुल हमीद चौधरी, अब जबकि इख्तिताम हो चुका है इन तमाम तकारीब का, इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है? सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक देव जी महाराज के 550वें दिन जन्मदिन की तकरीबात जो इख्तिताम पज़ीर हो चुकी हैं। भारत में दुनिया भर से आने वाले सिख यात्री वापसी जा रहे हैं और बाबा गुरु नानक के जन्मदिन के इख्तिताम के मौका पर रात को जबरदस्त शानदार आतिशबाजी का मुजहरा हुआ और जाने वाले सिखों ने हुकूमत पाकिस्तान, जिले इंतजामिया और पाकिस्तानी अवाम की बेहतरीन शानदार मेहमान नवाजी पर कहा कि हम पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी अवाम और मकामी जिले इंतजामिया बिलखसूस DPO ननकाना राजा मंसूर अहमद और DPO ननकाना इस्माइल खड़ा। ठीक है, अब्दुल हमीद चौधरी हमारे साथ आप मौजूद थे और आप हमें इस हवाले से आगाह कर रहे थे। बाबा गुरु नानक जिनकी 550वें जन्मदिन के हवाले से पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी भी खोली, सिख यात्री जो कि पाकिस्तान में मौजूद थे बेहतरीन तरीके से ना सिर्फ उनका इस्तकबाल किया गया बल्कि उन्हें बेहतरीन माहौल फराहम किया गया ताकि यहाँ पर वो अपनी मजहबी रसूमात जो है वो अदा कर सकें। तो पाकिस्तान ने बेहतरीन तरीके से अपना हक जो है वो अदा किया है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, डेरा गाज़ी खान के जानेब ज़िला पंजाब का यह आबाई इलाका है, वहाँ पर सूरत हाल ये है कि अब से कुछ अर्सा कबल ही सीवरेज लाइन बिछाई गई थी और अब ये एक हफ्ता बाद ही ये सीवरेज लाइन बैठ गई है जिसकी वजह से जो सूरत हाल है वो इंतहाई पेचीदा हो चली है उस इलाके में। अब ये कहा जाए कि ये इस इलाके में ये जो सीवरेज लाइन बिछी ये करप्शन की नज़र हो चुकी तो बिल्कुल बेजान नहीं होगा। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ होंगे इरफान मजीद खटक, हम उनसे बात करेंगे। इरफान मजीद, क्या बताएंगे ये सारी सूरत हाल किस तरह से पेश आई है? जी बिल्कुल अली नियाजी, वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का शहर करप्शन की माजगा बन चुका है। आए रोज करप्शन के नए नए अंदाज सामने आते हैं। एक हफ्ता कबल इमामबार का हैदरिया चौक पर खराब सीवरेज पाइपलाइन को ठीक करने का ठेका MOI अब्बास सरवर नकवी की मिली भगत से नजीर ठेकेदार को दिया गया जिसने पुराने सीवरेज पाइप निकाल कर नए पाइप तो डाल दिए लेकिन नीचे गड़े में खड़ा पानी तक नहीं निकाला और ऊपर मिट्टी डाल दी जिसकी वजह से गुज़िश्ता रोज मोटरसाइकिल से लोड ट्राला जब गुजरा तो सड़क नीचे धंस गई। जबकि यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये रोड एक इंतहाई मसरूफ तरीन रोड है। यहाँ पर भी MOI अब्बास सरवर नकवी और करप्ट ठेकेदार नजीर ने अपनी करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए। रोड के धंसने से मौजाना तौर पर अवामी और जानी नुकसान अवाम जानी और माली नुकसान से बच गई। वाजे रहे कि इससे पहले भी ऐसे कई ठेके MOI अब्बास सरवर नकवी की मिली भगत से इस ठेकेदार नजीर को दिए जाते हैं जबकि अवामी और समाजी हलकों ने यहाँ पर मुतालबा किया है वजीर आला पंजाब और कमिश्नर डेरा गाजी खान से कि ऐसे नाकिस काम करने वाले ठेकेदार का लाइसेंस कैंसिल किया जाए और MOI को मुअत्तल किया जाए। जी ठीक है इरफान मजीद खटक, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे और आप हमें इस हवाले से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन आगे बढ़े और इसके बाद हम बात करते हैं शहर मुजफ्फरगढ़ से जहां पर मुसल्ला डाकों की वारदातें जारी हैं, पुलिस खामोश तमाशाई बनी बैठी है। एक ही रात में 5 दुकानों पर ये जो है डकैती की वारदातें हुई लेकिन पुलिस जो है वो खाबे खरगोश के मज़े ले रही है।
क्या सूरत हाल है, क्या वजह है कि अभी तक पुलिस इन मुसल्ला फायरिंग करते हैं, दंधनाते फिरते हुए डाकुओं को जो है वो काबू में नहीं कर पाई है। ये इतना बड़ा इलाका नहीं है, यहाँ पर अगर पुलिस और कानून नाफिज करने वाले अदारे चाहें तो फौरी तौर पर इन अफराद को कानून के गिरफ्त में लिया जा सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं यूसुफ बिलाल। यूसुफ बिलाल, क्या वजह है कि ये डाकू अभी तक पुलिस के गिरफ्त से बाहर है? हाँ जी बिल्कुल अलिनिया जी, बताना चलूँ कि मुजफ्फरगढ़ का इलाका है खानगढ़, जहाँ पर जो है गुज़श्ता रोज मोटरसाइकिल छीनने की जो है एक वारदात हुई थी, जिस पर जो है नाकामी पर डाकू ने जो है उसी रात जो है 5 दुकानें लूट ली है, जबकि एक ही रात में डाकू की 5 वारदातों पर जो है इलाका भर में जो है खौफो हिरास फैला हुआ है, जबकि डाकू ने जो है कौमी शराब पर भी 3 होटल की दुकानों से जो है लाखों पे भी छीन लिए हैं, जबकि मुसल्ला जो डाकू थे वो फायरिंग करते रहे हैं, जिसके बाद वो जो है फरार होने में कामयाब हो चुके हैं। जबकि खानगढ़ पुलिस जब पहली और दूसरी वारदात पर पहुंची तो खानगढ़ पुलिस से जो है एक और वारदात की जो है इत्तला मिल चुकी थी, जबकि डाकू जो थे उन्होंने चम्मन बाईपास है वहां पर जो है डकैती की बात करके जो है हजारों रुपए छीने हैं, जबकि इससे कबल भी जो है एक हफ्ते के दौरान डकैती की वारदातों के दौरान 2 जो थे वो डाकू की फायरिंग के जाम पास हो चुके हैं, जबकि पुलिस हुकाम का कहना है कि शहर प्रसाद अनासर की गिरफ्तारी के लिए जो है पुलिस टीमें तश्कील दे दी गई है, जो की मुसलमान को जल्द गिरफ्तार कर उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। जी ठीक है यूसुफ बिलाल, आपका बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप मौजूद थे मुजफ्फरगढ़ से और आपने वहाँ की सूरत हाल हमारे नाज़रीन के सामने रखी है कि दिन दहाड़े वहाँ पर जो है डकैती की वारदातें हो रही हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारे इन डाकुओं को गिरफ्त में करने में अभी तक नाकाम नज़र आ रहे हैं। गंगो मंडी से बात करते हैं, वहाँ पर पुलिस और डाकुओं के मोबाइल एक मुकाबला हुआ है, एक डाकू बताया जा रहा है कि वो हलाक हो गए। ऐसे जो थाना गंगो मंडू बहर रियाज अहमद सयाल नफरी कैमरा मौके पर पहुंचे तो डाकुओं ने फायरिंग की है। यह डकैती की वारदात हो रही थी जिस पर फौरी तौर पर एक्शन लिया गया पुलिस की जानिब से। हमारे साथ होंगे अरशद मिर्जा, हम उनसे बात करेंगे। अरशद मिर्जा, क्या सूरत हाल बताएंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, ये गग्गो मंडी का नवाही इलाका है जमलेरा, वहाँ पे 291 रोड पे इन्होंने आज अलग सुबह नाका लगा के राहगीरों को लूटना शुरू कर दिया, और मैं बताता चलूँ कि ये एक दिन पहले थी इन्होंने इसी अलग सुबह लोगों को लूटा और एक राहगीर को इन्होंने कत्ल कर दिया था। तमाम गग्गो मंडी पुलिस ने इनका पीछा किया, जिसमें बुरेवाला की पुलिस और साहू का पुलिस ने इनका पीछा किया और ये मुकाबला करते हुए पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो गए और भाग गए, और इनका एक बंदा उन्होंने गांव वालों ने जख्मी किया, डाकू अपने जख्मी डाकू को उठाकर भाग गए, और आज सुबह अलग सुबह इन्होंने फिर नाका लगा के वहां पे लोगों को लूटना शुरू कर दिया। तहम इतला मिलने पर गग्गो पुलिस के माहर सयाल साहब ये अपनी नफरी के साथ पहुंचे और वहां पे साहू का पुलिस के SHO वो भी अपनी भारी नफरी के साथ पहुंचे और उनके साथ मुकाबला करते हुए इन्होंने एक डाकू को कत्ल कर दिया और बाकी डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अरशद, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़िन अरशद थे ये जो कि हमें इस हवाले से आगाह कर रहे थे। अगला शहर नाज़िन हमारे पास है थरपारकर का, और वहाँ से खबर यह है कि खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले थरपारकर में मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पर सूरत हाल ये है कि कीमती पहाड़ों पर कब्जा माफिया ने पंजे गाड़ लिए हैं, गैर कानूनी कटाई हो रही है और इस कटाई से खूबसूरत पहाड़ों की कुदरती साख मुतासर होने लगी है। थरपारकर की आवाम वज़ीर आज़म इमरान खान से खैबर पख्तूनख्वा की तरह थर के पहाड़ों की हिफाजत के लिए इकदाम उठाने का मुतालबा भी कर रही है। इस हवाले से हम बात करेंगे, लुकमान रिंद हमारे साथ होंगे। लुकमान, क्या बताएंगे हमारे नाज़रीन को? जी सर, कारूजार थरपारकर की खूबसूरत जो के सियाहत भी है, सकाफत भी है, यहाँ पर बहुत दिनों से जो इनके मशहूर ग्रेनाइट पहाड़ है इसकी गैर कानूनी कटाई हो रही है और थर की आवाम मुसलसल थर की आवाम जो है सराफा एहतजाज है। थर की आवाम ने वजीर आजम इमरान खान से ये मुतालबा किया है कि जो कारूजार है हमारी सियाहत भी है और हमारी सकाफत भी है, इसकी गैर कानूनी कटाई हो रही है, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और हमारी कारूजार जबल को कटवाई से बचाया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका लुकमान, हमारे साथ आप मौजूद थे और आप हमें इस हवाले से आगाह कर रहे थे। ये नाज़िम को सूरत हाल हमने आपको बताई है जहाँ पर ये कटाई की वजह से कटाव किया जा रहा है और उस सूरत हाल में जो खूबसूरती या कुदरती हुस्न है वो मुतासर होने का ख़तरा और अंदेशा मौजूद है। हाँ, बेलसवेला से हम बात करते हैं जहाँ पर पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स ने कार्रवाई की है, करोड़ों रुपये मालियत की जो मनशियात हैं वो बरामद की गई हैं। इस गश्त के दौरान पसनी के तकरीबन 40
किलोग्राम दूर शादी कौर के मकाम पर पहाड़ों में छुपाई गई 101,820 किलोग्राम आला क्वालिटी की चर्स बरामद हुई है। इस हवाले से हम बात करेंगे, अब्दुल सत्तार बलोच हमारे साथ होंगे। अब्दुल सत्तार, आप क्या बताएंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड को खुफिया जराये से इतला मिली थी कि पसनी से भारी मकदार में मंशियात स्मगलिंग होने का खदशा है, जिसको मद्देनजर रखते हुए डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ब्रिगेडियर साकिब कमर ने मुतलका कमांडर को अपने इलाके में मजीद सख्त चेकिंग करने के अहकाम जारी किए। इलाका कमांडर ने अपने जवानों के हमरा मोबाइल गश्त पार्टी तरतीब दी और मशकूक मुकाम की निगरानी शुरू कर दी। मोबाइल गश्त के दौरान पसनी से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर शादी कोर के मुकाम पर पहाड़ों में छिपाई गई 1,820 किलोग्राम आला क्वालिटी की चस बरामद कर ली। कोस्ट गार्ड का तर्जमान का कहना है कि बरामद होने वाला मंशियात की आलमी मार्केट में कीमत तकरीबन 1,987.44 मिलियन रुपए के लगभग है। डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान कोस्ट गार्ड का कहना है कि पाकिस्तान कोस्ट गार्ड हर किस्म की स्मगलिंग की रोकथाम। ठीक है, अब्दुल सत्तार बलोच, आपका बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप मौजूद थे और आप हमें इस हवाले से आगाह कर रहे थे। ये नाज़रीन, हमने कुछ सूरत हाल आपके सामने रखी है और आपको बताया है कि हबल स्मेला में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स उन्होंने जो कार्रवाई की है उसका अहवाल हमने आपके सामने रखा। मीरपुर माथेरों से नाज़रीन हम बात करें, आप सब जानते हैं कि आजकल एक इंतहाई अहम इशू सब्जियों के रेट्स का चल रहा है और हुकूमत पाकिस्तान और जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं वो अपना काम तनदही से करने में अभी तक नाकाम नज़र आ रही हैं। सब्जियों के रेट्स आसमान से बातें कर रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। ख़ास तौर पर टमाटर को ले लीजिए तो 250 से 300 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है इस वक्त मीरपुर माथेलों में। हमारे साथ जाफर हुसैन हैं, उनसे बात करेंगे। जाफर हुसैन, क्या बताएंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, मुल्क भर में सब्जियों के रेट जो है वो आसमानों पे बातें कर रहे हैं, इसी तरह मीरपुर माथेलों में भी सब्जियों के जो रेट हैं वो आसमानों से बातें कर रहे हैं और सब्जियों के जो रेट हैं वो गरीब की पहुंच से दूर हो चुके हैं। यहाँ पे अगर बात करते हैं शलजम, बैंगन, मटर, प्याज, करेले, सब सब्जियों के रेट जो है आसमान पे बातें कर रहे हैं। और अगर बात की जाए, खासतौर पर बात की जाए टमाटर की, तो टमाटर इस वक्त मुल्क में महंगे बिक रहे हैं और मीरपुर माथेलों में 250-300 रुपए में किलो बिक रहे हैं और यहाँ पे गरीब आवाम का जो है जीना मुहाल हो चुका है। तब्दीली आवाम ने पहले भी दावे किए थे कि गरीब आवाम को रिलीफ देंगे, लेकिन गरीब आवाम की जो पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रही थी, अब सब्जियां महंगी होकर गरीब आवाम के लिए और भी मुसीबत आ गई। हमारे साथ कुछ शहरी यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी, आप हमें बताएगा कि आप रोजमर्रा की अशिया कितनी महंगी खरीद कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं चीज की मजम्मत करता हूँ जो पाकिस्तान की हुकूमत ने दावे किए थे। आज 300 के ऊपर जो है मीरपुर मथेलो शहर में जो एक पसमानदा इलाका है वहाँ पे 300 किलो टमाटर हैं और आलू जो है 120 हैं, प्याज 150 से ऊपर है, बैंगन 130 हैं, गोभी जो है वो 150 के करीब है। तो हम आप जो लोग हैं वो कहाँ से खाएं? क्या बच्चों को, जो हमारे बच्चे जो हैं, क्या हम गर्म पानी खिला के बच्चों को पिलाएं, उनका पेट भरें? हम तो इतने परेशान हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाहें नहीं हैं। और टमाटरों की जो मैं गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि ये जो आप 17-17 रुपये किलो कह रहे हैं, खुदा रहा इस चीज़ पे अमल भी करें और हमारे खाने पीने की अशाएँ ये हद से ज़्यादा महंगी हो गई है, जिसकी वजह से हम परेशान हैं। जी बिल्कुल, आपने शहरों की बातें सुनी, उनका कहना है कि सब्जी की कीमतों में जो है वो कमी की जाए ताकि। हमारे साथ आप मौजूद थे और आप हमें इस हवाले से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, बात करेंगे हम मरदान से, वहाँ पर भी महंगाई से अशाई खुरनोश की कीमतों में होशरबा इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शौकत अली हमारे साथ होंगे, हम उनसे बात करेंगे। शौकत अली, मरदान में इस वक्त क्या सूरत हाल है? पाकिस्तान में महंगाई गरीब आवाम पर भारी पड़ने लगी। महंगाई का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। हुकूमत की दावे और वादे अपनी जगह, लेकिन महंगाई की चक्की में गरीब आवाम को पीसे जा रहे हैं और एशियाई खुरनोश की कीमतों में बेहद इजाफे से आवाम मायूसी का शिकार हो चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद है, उसे जानते हैं कि वो मौजूदा महंगाई के हवाले से क्या कहते हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपने महंगाई की बात की, मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पीटीआई को, गवर्नमेंट को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक विजन पेश किया था कि भाई हम एक साल के बाद इस मुल्क की गरीबी को बहुत डेड लेवल तक लेके आएंगे और इसको ख़त्म करेंगे। बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि एक साल पूरा होने पर भी
लोग उसी तरह महंगाई का शिकार है। 500 रुपये दिहाड़ी में कोई भी मजदूर आदमी अपना घर चलाए या आटा खरीदे या घी खरीदे, क्या ये पॉसिबल है इस तरह गरीब तबके के लिए? हम मिडिल क्लास के लोग हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम लोग अपनी मजदूरी करते हैं, अपनी मेहनत करते हैं और दिन का क्या कमाते हैं, 500 600 हज़ार रुपये हम लोग कमा लेते हैं, तो 1150 रुपये का एक थोड़ा जो है वो मिल जाता है आटे का, तो वो हमारे लिए ख़रीदना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन बन चुका है। तो मेरी गवर्नमेंट आप पाकिस्तान से ये अपील है कि भाई गरीब आदमी के हाल पर रहम करें और उसको कुछ ना कुछ रिलीफ दिया जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने यहाँ पे मौजूद शेरी की बात सुनी, उसका कहना था कि 500 रुपये दिहाड़ी में हम अपने घर के अखराजात तो बड़ी मुश्किल से पूरे। शौकत अली, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे और हमारे नाज़रीन को मर्दान से आगाह कर रहे थे कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। गोटकी से हम बात करें, वहाँ पर भी नाज़रीन सब्जियों के रेट आसमान से बातें कर रहे हैं, लोग परेशान नज़र आ रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के ही सूरत हाल है। और प्राइस कंट्रोल कमेटियों को ले लीजिए, हुकूमती तरजीहात को ले लीजिए, बिल्कुल इस जानब में उनकी तवज्जो नहीं है। मोहम्मद अली मलिक हमारे साथ होंगे, मोहम्मद अली मलिक आप क्या बताएंगे? जी बिल्कुल, तब्दीली सरकार की महंगाई ने जो है गरीब आवाम को परेशानी में मुब्तला कर दिया है। सब्ज़ी फल फ्रूट की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। अगर बात की जाए टमाटर की तो जो है टमाटर की कीमतें भी जो है 300 रुपए से अबूर कर गई है। इस वक्त हमारे साथ जो है कुछ लोग मौजूद हैं, आइए इस हवाले से इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है। जनाब, जब से इमरान खान की हुकूमत आई है तब से तब्दीली सरकार ने इतनी महंगाई कर दी है कि आम इंसान का जीना इतना परेशान हो गया कि एक गरीब इंसान मजदूरी करे या घर के बच्चों के लिए देखभाल के लिए आटा ले, सब्जी ले, फ्रूट ले, क्या चीज़ ले, उसने इतनी महंगाई कर दी। हम इमरान खान से कहते हैं कि वो खुदारा गरीब आवाम पर रहम करे। गरीब आवाम अब 300 रुपये किलो टमाटर हो चुका है, 300 रुपये में टमाटर लेगा या सब 80 रुपये 100 रुपये किलो सब्जी मान ली है, 80 रुपये 100 रुपये किलो प्याज चल रहा है जो कि 30-40 से कोई लेता भी नहीं था। इतना सस्ता होता था कि हर इंसान 100 रुपये की सब्जी से सारे दिन का गुजारा कर लेता था, लेकिन अब इस महंगाई ने इतना तूफान बर्पा कर दिया है कि इंसान एक दिन के राशन के लिए लोगों से उधार लेता है, उधार के बावजूद भी उसका घर नहीं चलता। वो परेशान है कि खुदारा मैं कैसे इस सब्जी का बहरान से निकलूँ, कैसे घर के खर्च को चलाऊँ। आटा भी महंगा हो गया, सब्जी भी महंगी हो गई, दालें भी महंगी हो गई, घी भी महंगा हो गया। जो घी आज से इमरान खान की हुकूमत से पहले 120 रुपये किलो मिलता था, इस वक्त वो घी 160 रुपये एक लोकल घी है जिसको हम लोकल कहते हैं। वो सब्ज़ियाँ, वो फ्रूट, इमरान खान की हुकूमत से पहले आटा 35 से 40 रुपये किलो मिलता था, लेकिन अब इमरान खान की हुकूमत आते ही आटे का रेट 60 रुपये किलो पर जा पहुँचा है। हम इमरान खान से कहते हैं, जनाब कुछ गरीब आवाम की दोस्त की पॉलिसियाँ बनाएँ, ऐसी पॉलिसियाँ जो गरीब आवाम को फ़ायदा दें। आप ताजरों को ही पकड़ रहे हैं, अमीरों को ही पकड़ रहे हैं, गरीबों को ही पकड़ रहे हैं, सबको पकड़ रहे हैं, सबके साथ लूट मार कर रहे हैं, सब चोर भी हैं, सबको पकड़ भी रहे हैं, लेकिन फिर ये पैसा कहाँ जा रहा है? ना किसी गरीब आवाम पे लग रहा है, हमें बजट भी दिया जा रहा है, बजट किसी को मिल भी नहीं रहा, वो आला अफसर खा रहे हैं, लेकिन गरीब आवाम को रिलीफ देना चाहिए। हम ये कहते हैं कि गरीब आवाम के लिए कुछ करें। आप हमसे टैक्स ले रहे हैं दुबई, सऊदी अरब, यूरोप, अमेरिका का, लेकिन सहूलतें क्या दे रहे हैं? अगर कोई सहूलतों में काम नहीं कर रहा, आप उन्हें बरतरफ करें। मोहम्मद अली मलिक हमारे साथ आप मौजूद थे और आप हमें इस हवाले से आगाह कर रहे थे। खानेवाल से राजधानी में बात करें तो खानेवाल में मनशियात फरोशों का गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। खानेवाल में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के अहकाम की रोशनी में मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। क्या कामयाबियाँ अभी तक मिली है? सईद अब्बास भट्टी हमारे साथ हैं, उनसे हम मालूम लेंगे। सईद, क्या बताएंगे हमारे नाज़रीन को? बिल्कुल, आईजी पंजाब के अहकाम की रोशनी में खानेवाल में डिस्ट्रिक्ट पुलिस के ने मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खानेवाल फैसल शहजाद साहब, तो मजीद तफसील हम उनसे जानते हैं। जी सर, बताइएगा ये जो मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया है, इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया। ये आईजी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज साहब का इनिशिएटिव था कि हम पंजाब भर के अंदर एक बहुत ही मेथोडिक और सिस्टमेटिकली एक हम कैंपेन का आगाज़ करें मनशियात फरोशों के ख़िलाफ़। खानेवाल के अंदर जितनी भी पिछले दिनों में होने वाली कार्रवाइयाँ हैं, उसी कैंपेन का हिस्सा है। इसमें यहाँ खानेवाल के हद तक हमने बड़ा मेथोडिकली पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने खुफिया तरीके से सर्वे करवाया, हमने अपनी डेडिकेटेड टीम्स बनाई, उन टीम्स ने जाके मोनिटर किया, रैकी की, और ऐसे मनशियात फरोश जो इस मुआशरे का नासूर थे उनके खिलाफ हमने कार्रवाइयाँ की। वो आप रोज़ाना की बुनियाद पर देख रहे होंगे कि हमारे हम प्रेस रिलीज में आपके साथ फिगर्स भी अपने शेयर करते हैं। तो एक तो ये है कि हम बहुत ही मेथोडिकली और बहुत ही सिस्टमेटिकली हम ये जो मनशियात की रेडिकेशन की जो कैंपेन है उसमें हम भरपूर तरीके से शिरकत कर रहे हैं।
साथ ही साथ इसमें हमारी कोशिश ये है कि अगर पुलिस डिपार्टमेंट में कहीं भी किसी भी ऑफिसर की किसी कांस्टेबल या किसी भी और लेवल पे कहीं भी पुष्ट बनाई की जा रही है या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हो कि ये उनके साथ कनेक्टेड हैं, उनके खिलाफ़ भी भरपूर हमारी कार्रवाई होगी, उनको भी हम बिल्कुल स्पेयर नहीं करेंगे। साथ ही साथ इसमें एक हमारा बड़ा अहम जो फीचर है वो ये है कि जो तालीमी इदारे हैं वो ख़ास करके हमारा फोकस हैं। हम ये चाहते हैं कि हम तालीमी इदारों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको इस लानत से बचाएं, तो यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों पे ख़ास करके हम कॉलेजेस पे हम फोकस कर रहे हैं और हम अपनी कैंपेन में हमारे प्लेन क्लोज में भी लोग होते हैं जो इन सारी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह तालीमी इदारों में तो बिल्कुल हमारी टॉप प्रायोरिटी नंबर वन आप कह लें टॉप प्रायोरिटी है और हम इस पर बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस रखे हुए हैं। तो इंशाल्लाह ये आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बड़ा ही आपको एक इम्प्रूवमेंट मिलेगी इस मंशियात फरोशी के हवाले से। मेरी खानेवाल के शहरियों से ये दरख्वास्त होगी कि जहाँ भी जिस भी जगह आपको कोई मंशियात फरोशी होती नज़र आती है काइंडली आप हमें इतला दें। मेरा अपना नंबर भी जो है वो भी हमने थानों में डिस्प्ले किए हुए हैं और लोगों को पता है मेरे अपने ज़ाती मोबाइल नंबर का भी। बाज़ दफ़ा सीक्रेसी और प्राइवेसी को मद्देनज़र रखते हुए आपकी कोशिश ये होती है कि आप डायरेक्ट इतला मुझे दें, तो वो बिल्कुल मैं इनक्रेज करूँगा कि आप ज़रूर दें। आपकी दी गई तमाम इन्फॉर्मेशन को हम पहले वेरीफाई करते हैं और फिर ड्यू वेरीफिकेशन के बाद फिर हम उस पर अपनी कार्रवाई करते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने उनकी गुफ्तगू सुनी उनका यही कहना है कि इंशाल्लाह हम खानेवाल से बहुत जल्दी मुंशियात का खात्मा करेंगे और आखिरी मुंशियात फरोश तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा और शहरी अगर किसी किस्म की गैर कानूनी सरगर्मी देखते हैं तो वो फौरी तौर पर 15 पर इतला दें। उनका अपना DBO साहब का नंबर जो है वो थानों के अंदर डिस्प्ले कर दिया गया, उस नंबर पर इतला दें, इंशाल्लाह फौरी तौर पर कार्रवाई होगी और इंशाल्लाह खानेवाल को बहुत। सईद अब्बास भट्टी हमारे साथ आप मौजूद थे खानेवाल से और वहाँ की सूरत हाल आप हमारे नाज़रीन को बता रहे थे। फिरोजवाला से नाज़रीन हम बात करते हैं जहाँ पर फिरोजवाला या गिरदनवा में स्मोक का राज है और वहाँ पर जो सूरत हाल है उस वाले से हम बात करेंगे। मकसूद शाह हमारे साथ होंगे। मकसूद शाह क्या बताएंगे इस हवाले से हमारे नाज़रीन को? क्वार्टर अस्पताल के अंदर फिरोजवाला की आज बात करेंगे। जो बदलता हुआ मौसम है स्मोक के हवाले से किस तरह बीमारियाँ फैल रही हैं बड़ों को बच्चों को, डॉक्टर साहब अली साहब मौजूद हैं मेरे साथ, इनसे बात करेंगे कि स्मोक के हवाले से जो बीमारियाँ हैं और हमारे जो बच्चे बीमार हो रहे हैं उनको क्या तदबीर इख्तियार करनी चाहिए। जी बिल्कुल, आपको पता है स्मोक एयर पोल्यूशन को कहते हैं, ये मिक्सचर है स्मोक और फॉग का, तो ये जो धुआं वगैरह है जो आपको नज़र आ रहा है इससे जो जो चीज़ें बंदे की एक्सपोज हैं मसलन जिल्द है, जिल्द की बीमारियां हो सकती हैं, आँखों की बीमारियां हो सकती हैं, नाक कान गले की बीमारी हो सकती है, छाती की बीमारी हो सकती है वो, और जो मज़ीद किसी को अगर COPD है, किसी को एस्थमा है, दमे की बीमारी है, वो इसमें अटैक हो सकता है। उसके लिए आप कोशिश करें जब भी बाहर निकलें तो अपने जिस्म को ढांप के रखें, खसूसी जो मुंह है नाक है उसको ढांप के रखें, आप मास्क इस्तेमाल करें और जब भी आप बाहर से आएँ तो मुंह धोया करें और घर की सफाई का ख्याल रखा करें। उसमें झाड़ू से ज़्यादा बेहतर है कि गीला कपड़ा इस्तेमाल किया करें, जहां भी मिट्टी हो उधर पानी का छिड़काव किया करें ताकि इससे बचा जा सके, और अगर कोई ज़्यादा मसला हो तो अपने करीबी अस्पताल में जल्दी से जल्दी। जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब का ये कहना है कि जब बच्चे बाहर निकलें तो जो स्मोक के हवाले से जो बदलता हुआ मौसम है इस पर बच्चों को भी चाहिए बड़ों को भी चाहिए कि वो मास्क इस्तेमाल करें और मुंह को ढाँक कर बाहर से बाहर निकलें और बच्चों का भी ख्याल रखें कि जो घर के अंदर जो झाड़ू वगैरह भी इस्तेमाल किए जाते हैं वो पानी के कपड़े के गीले कपड़े के साथ वो इस्तेमाल करें और स्मोक से बचने का सबसे बेहतर वही हाल है कि उसको अपने जिस्म के ऊपर अपने बच्चों के मुँह के ऊपर मास्क का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है और तमाम जो बीमारियों से बचने के लिए मास्क जो इस्तेमाल करें और आँखों की जो नज़र के हवाले से अगर बात करेंगे तो स्मोक की जो बढ़ता हुआ धुआं है वो इसी हवाले से आँखों की जो खराबी की बाइस भी बनता है। तो और तमाम डॉक्टर साहब का ये कहना है कि जिस तरह ये स्मोक का जो मौसम है इस हवाले से तमाम। मकसूद शाह हमारे साथ आप मौजूद थे और आप हमें इस हवाले से आगाह कर रहे थे। फिरोजवाला की ये सूरत हाल थी जो कि हमने आपके सामने रखी है। हुजरा शाह मुकीम से हम बात करें तो हुजरा शाह मुकीम बासर शख्स के जुल्म का शिकार खातून इंसाफ के लिए आला हुकाम से अपील कर रही है। क्या सूरत हाल है या असल माजरा क्या है जानेंगे। हाफिज जावेद इकबाल हमारे साथ हैं। जावेद इकबाल आप क्या बताएंगे हमारे नाज़रीन को? तो मौजूद हूँ हुजरा शाह मुकीम अब्दुल्ला कॉलोनी में जहाँ पर नाजिया बीबी जो कि एक प्राइमरी स्कूल में आया के तौर पर काम करती है,
جو اس وقت وہ جو اپنے اسکول میں ڈیوٹی پر انجام دے رہی تھی تو وہاں ہیڈ ماسٹر جس کا نام محمد امین ہے اس نے اس کو ایک کمرے میں بلوا کر اس کے ساتھ دستے درازی کی باتیں انہوں نے شروع کر دیں اور اس کے ساتھ کمرہ کو کنڈی لگا کر بند کر کے اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی. اس پر اس نازیہ بی بی نے شور وغیرہ کر کے اپنی جان بچانے اور اپنی عزت بچانے کے لیے انہوں نے شور مچایا جس سے وہ اپنی آپ کو عزت بچانے میں شروع کر دی. انہوں نے کپڑے ان کے پھاڑ دیے اور وہ بنا حالت میں سکول سے بہرے جس میں لوگوں نے آ کے اس کو جان بخشی کروائی. اس وقت میں موجود ہوں اس بی بی نازیہ بی بی سے ان کے ساتھ داستان سنتے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ بنا. جی میں بہن سکول وچ کام کرن گئی ہوئی سا, ایک مہینہ ہو گیا کام کرنے میں. کام کرنے کے پہلے نہ میرے تو نہ نظر پہلے دن تو نہ اٹھائی ہوئی سی, لیکن میں اپنے بچوں کے پاس نہ میں ان سبھی بچوں کے پیٹ کے پاس میں خاطر میں اتنے کام کرنا شروع کر دیتا. کام کرنا شروع کیا تو میں ایک دن گئی ہوں پیسے لین صبح صبح نال صفائی کرنی سی, تو میں کہنا اس کمرے کی پہلے صفائی کر لو, لیکن میں ادھر صفائی کرنے گئی میرے مگر چلا گیا. اتو نے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تو دروازہ انہیں بند کر لیا, لیکن میں کرلٹا پا دیا محلے کے بندے باہر نکلن دو نہ تو میری نہ تھوڑی جی ہیلپ کی, لیکن میں باہر آئی انہیں دروازہ بند کر لیا. باہر آن تو میں شور مچایا بندیاں نے میری ہیلپ کی, انہیں آخر بج تو کار چلی جا, لیکن جاتے اپنے محلے کے بندے جاتے میری رسوئی کسی نے سنی. میں تو یہ عرض کرنی ہوں بھی لیکن میں انصاف ملنا چاہیے, میں حکومت لیے آ نہیں ہوں بھی غریب بندے میرا بندہ بٹھے تو کام کرتا ساری محلے کے کسی بات نہیں سنی, لیکن میری یہ رسوئی ہے بھی میں انصاف ملنا چاہیے. جی یہ بی بی کہتی ہے کہ مجھے اللہ کام سے اپیل ہے میری کہ مجھے انصاف دیا جائے اور میری ایف آئی آر درج کر کے اس. ٹھیک ہے, حافظ جاوید اقبال ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے. ناظرین یہاں پہ ہم لے رہے ہیں وقفہ, وقفے سے آئیں گے واپس تو مزید خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید. بات کریں گے ہم کروڑ لال حسین سے, جہاں پر فتح پور وابڈہ کی روایتی بے حسی جو ہے وہ برقرار ہے اور اس کی وجہ سے جو لٹکتی تارے ہیں وہ شہریوں کی موت کا باعث بن رہی ہیں. انور شاہ ہمارے ساتھ ہیں, ہم ان سے بات کریں گے. انور شاہ آپ کیا بتائیں گے اس حوالے سے؟ وابڈہ کی روایتی بے حسی کا شکار ننگی اور لٹکتی تاریں شہریوں کو موت کا پیغام دینے لگیں. وابڈہ کی تارے انتہائی نچلی سطح سے زمین سے لٹک رہی ہیں جس سے کسی بھی وقت بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے اور انسانی جانوں کا ضیاع ہو سکتا ہے. اس وقت میرے ساتھ سابق کونسلر عبدالرزاق موجود ہیں. جی سر بتائیے گا, منتخب عوامی نمائندوں اور اعلی حکام کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب والا گزارش یہ ہے کہ یہ مسئلہ تقریباً پچھلے 10-12 سال سے چلا آ رہا ہے. 2008 سے پہلے ایم این اے تھے بہادر خان سیئر صاحب, انہوں نے ایک پرپوزل ایل ٹی پرپوزل منظور کروائی تھی لیکن اس پر کوئی عمل درآمد نہ ہو سکا. اس کے بعد 2013 میں صاحبزادہ فیض الحسن صاحب ایم این اے بن گئے تھے, انہوں نے بھی پھر نئے سرے سے ایک ایل ٹی پرپوزل بنائی تھی لیکن اس پر بھی ابھی تک کوئی عمل نہ ہو سکا. ہم نے کئی دفعہ ریمائنڈر بھیجے, چیف صاحب سے بھی ملے ہیں, لہٰذا اب ہماری پرزور جو اپیل ہے ان حالات کو دیکھتے ہوئے کہ یہاں کوئی خدا نہ خاصہ کوئی بڑا حادثہ نہ ہو جائے. صرف ایک ہی پول ہے, تقریباً 300 گھر ہیں یہاں اور ایک ہی پول پر تقریباً سارے میٹر لگے ہوئے ہیں. تو ہماری یہ گزارش ہے ایس ڈی او فتح پور سے, ایکس این لیا سے, چیف انجینئر ملتان میپکو سے کہ جناب والا یہ ہمارا مسئلہ فی الفور حل کیا جائے, یہی ہماری گزارش ہے. جی بالکل, ان کا کہنا ہے کہ 2008 میں بھی ایل ٹی پرپوزل منظور ہوئی اور 2013 میں بھی, لیکن فی الحال تا حال اس پر کوئی عمل درآمد نہ ہو سکا. ٹھیک ہے انور شاہ, ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے. ناظرین یہ بجلی کی لٹکتی تارے بہت سے شہر ایسے ہیں جہاں پر اموات کا باعث بن چکی ہے, لیکن ابھی تک جو وابڈہ کا محکمہ ہے وہ اس کا کوئی بندوبست کرنے میں ناکام نظر آتا ہے. بات کریں خانقاہ ڈوگرہ سے تو وہاں پر محکمہ تعلیم کی غفلت نے 1200 طلبہ کا مستقبل داؤ پر لگا دیا ہے. خستہ حال قرار دی گئی عمارتوں میں ایک سال بعد بھی تعلیم جو ہے وہ جاری ہے, لیکن یہ عمارتیں تعمیر نہیں کی گئی ہیں. شفیق احمد ہمارے ساتھ ہوں گے. شفیق احمد آپ کیا بتائیں گے؟
ایک طرف تو حکومت پنجاب کے تعلیمی سرگرمیوں کے لیے بڑے بڑے دعوے نظر آ رہے ہیں اور دوسری طرف بچوں کو تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھنے کے لیے ان کے سر پر چھت نہیں ہے. ایسا ہی واقعہ خانگا ڈوگرا میں ہے جہاں پر تقریباً 1200 کے قریب بچوں کا مستقبل داؤ پر لگ چکا ہے. یہ پچھلے ایک سال سے کھلے آسمان کے نیچے اپنی تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد عزیز. اسکول کے بچے آئین سے جانتے ہیں کہ کھلے آسمان کے نیچے تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ان کو کن مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے؟ پچھلے ایک سال سے ہمارے اسکول کی عمارت گری ہوئی ہے. ہم گھر سے صاف وردی پہن کے آتے ہیں لیکن زمین کی بیٹھنے کی وجہ سے ہماری وہ وردی گندی ہو جاتی ہے. جی آپ کا کیا ہے کہنا؟ وزیر اعلیٰ صاحب سے گزارش ہے کہ ہم پر رحم کا ہمارے اسکول کی تعمیر کی جائے تاکہ ہم اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں. جی جیسے کہ بچوں کی بات سنی آپ نے ان کا ڈی سی او شیخو پورہ اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے شفیق احمد جٹ آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے. ناظرین کوٹلی ستیا سے بات کریں تو کوٹلی ستیا کو ٹورسٹ اسپاٹ کا درجہ ملنے کے بعد سیاحوں کی آمد کا سلسلہ وہاں پر جاری ہے. کوٹلی ستیا جو کہ راولپنڈی کی ایک تحصیل ہے وہاں پر صورتحال کیا ہے جانیں گے ظاہر ستی سے. ظاہر ستی اب جب کہ اس علاقے کو ٹورسٹ مقام ڈکلیئر کیا گیا ہے تو اس وقت وہاں پر کیا صورتحال ہے؟ موجود ہیں کوٹلی ستیا کے علاقہ دیرکوٹ میں. یہاں پہ ایک چمرا ہل ایک ٹورسٹ اسپاٹ ہے. ابھی موجودہ حکومت نے کوٹلی ستیا کو ٹورسٹ اسپاٹ ڈکلیئر کیا تو اس حوالے سے یہاں سیاح آنا شروع ہو گئے ہیں. اس حوالے سے ہم جانتے ہیں ہمارے ساتھ کچھ بھائی موجود ہیں وہ کیا اس بارے میں کہنا چاہتے ہیں. جی بھائی کیا آپ نے محسوس کیا یہاں کے سوشل میڈیا اور نیوز چینل سے ہمیں پتہ چلا ہے اس جگہ کو ٹورسٹ اسپاٹ ڈکلیئر کیا گیا ہے تو ہم لوگ یہاں دیکھنے آئے ہیں یہ جگہ کیسی ہے اور یہ جگہ بہت پیاری ہے ماشاء اللہ. خاص طور پہ یہاں باربیکیو اگر کیا جائے تو بہت مزے کی جگہ ہے. تو میں سب لوگوں کو یہی دعوت دوں گا کہ اس جگہ کا ایک دفعہ آ کے دورہ ضرور کریں اور دیکھیں یہ جگہ کیسی لگتی ہے ان کو. اور یہ علاقہ کوٹلی ستیا میں آتا ہے دیرکوٹ کا. ٹھیک ہے ہمارے ساتھ ایک اور بھائی موجود ہیں ان سے جانتے ہیں انہوں نے یہاں پہ آ کے کیا فیل کیا. جی بھائی ہم آئے تھے اس کو دیکھنے کے لیے تو ہمیں یہ جگہ بڑی اچھی لگی ہے. ہمارے ساتھ ٹوریزم ہمارے ساتھ دو کچھ لوگ آئے تھے انہوں نے بھی اس چیز کو نوٹ کیا اور اس کے بعد یہ پوائنٹ دیکھا ہے. ہم اپنے علاقے کے ہماری تحصیل یو سی دیرکوٹ میں یہ جگہ ہے جس کا نام ہے چھمرا ہل. اس میں ہم اپنے دعوت دیتے ہیں لوگوں کو کہ وہ آ کے یہ پوائنٹ دیکھیں اس کے بعد یہ ڈکلیئر کیا جائے گا. اور یہ بڑی ایک اچھی جگہ ہے جس میں ہم بڑی بڑی ادھر سے ویو نظر آئے. اس کے بعد ہمارے کچھ ساتھ سرگاہ والے بھی آئے تھے. ٹھیک ہے ظاہر ستی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں وہاں کے صورتحال ہمارے ناظرین کو بتا رہے تھے. ناظرین میاں والی سے بات کریں تو وزیر اعظم پاکستان کا آبائی حلقہ NA95 جہاں پر سوئی گیس کی منظوری دے دی گئی تھی اب وہاں پر سوئی گیس پہنچانے پر جو کام ہے وہ تیزی کے ساتھ جاری ہے. اکرم نیازی ہمارے ساتھ ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں. اکرم نیازی آپ کیا بتائیں گے؟ میں محکمہ انہار کی یہ کلونی ہے اس کے قریب موجود ہوں. یہاں پر ایس این جی پی ایل کی یہ کمپنی لگی ہے اور یہ پائپ لائن یہاں سے بچھا کر میاں والی سٹی کی طرف لے کر جا رہے ہیں تو مزید تفصیل ان سے جانتے ہیں. میرے ساتھ یہ کمپنی کے یہ سینئر موجود ہیں تو ان سے پتہ کرتے ہیں کہ یہ لائن کہاں جا رہی ہے. جی بھائی جان یہ اصل میں میاں والی کا جو پریشر کم ہے نا گیس کا اس کی وجہ سے یہاں سے جو ہے نا لینڈ ہم ڈال کے میاں والی کو پریشر اپ کرنے کے لیے ڈال. جی بالکل اسٹیشن ہے وہاں سے ہم دے رہے ہیں اور سرگودا موڑ سے اٹیچ کر رہے ہیں تاکہ ہم میاں والی کا پریشر ہائی ہو. راستے میں تقریباً جتنی بھی گاؤں وغیرہ آ رہے ہیں جتنی میاں اس میں سب میں تقریباً کنیکشن ملے گا. موچ پکی شاہ مردانی سب کو تقریباً وہاں سے کنیکشن ملے گا. اکرم نیازی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے. ناظرین اکرم نیازی ہمارے ساتھ تھے جو کہ وزیر اعظم پاکستان کے آبائی حلقے میں موجود تھے اور سوئی گیس کا کام وہاں پر زور و شور سے جاری ہے. وزیر اعظم پاکستان نے اس منصوبے کا باقاعدہ طور پر جو ہے وہ منظوری دی تھی. حاصل پور سے بات کریں تو حاصل پور میں صورتحال یہ ہے کہ سوئی ناردرن گیس استعمال کرنے والے حاصل پور کے گھریلو صارفین کے لیے خوشخبری ہے کہ ریجنل مینیجر سوئی ناردرن گیس نے موسم سرما میں گیس پریشر برقرار رکھنے کے لیے نئی پائپ لائن جو ہیں ان پر کام شروع کر دیا ہے. نعیم ہمارے ساتھ ہے. نعیم آپ کیا بتائیں گے اس حوالے سے؟ سوئی ناردرن کے جو صارفین ہیں ان کو سب سے جو بڑا مسئلہ پیش آتا ہے وہ ہوتا ہے پریشر کا. اس دفعہ جو حاصل پور یا دوسرے دور دراز علاقے ہیں ان میں یہ مسئلہ کس طرح کم کیا جا سکتا ہے ہمارے ساتھ ہوں گے آر ایم ملک بشیر صاحب ان سے پوچھیں گے. سر ہر دفعہ موسم چینج ہوتا ہے شدت کے چینج ہوتے ہی جو پریشر کم ہو جاتا ہے کیا اقدامات کیے گئے ہیں اس طرح؟ جی ہم نے جو ہے وہ نئی لینیں ڈالی ہیں اور سیگریگیشن کی ہے جو ہمارے ٹی بی ایسز ہیں ان کو سیپریٹ کر دیا ہے اور جو لیک پوائنٹس ہیں
वो भी हमने कंट्रोल किए हैं और कुछ नेटवर्क को ओल्ड को न्यू के साथ रिप्लेस भी किया है। तो इससे इंशाल्लाह प्रेशर की जो सिचुएशन है वो अब भी बेहतर है और थ्रू आउट द विंटर सीज़न वो बेहतर रहेगी, किसी को कंप्लेंट नहीं आएगी। इन केस अगर कोई इंडिविजुअल को कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो उसमें रेगुलेटर ख़राब हो सकता है, मीटर स्टिकी हो जाते हैं, गैस पास नहीं होती, तो अर्जेंटली हमसे कंटेक्ट करें और वो उनकी जो कंप्लेंट है वो इंशाल्लाह विद इन 8 आवर्स उनकी रेक्टिफाई होगी। ठीक है नईम, आपका बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप मौजूद थे। नाज़रीन, डेरा गाज़ी खान से बात करें तो सर्दी आते ही लोगों ने लंडा बाज़ारों का रुख किया है। गरीब आवाम जो कि यकीनी तौर पर इतनी महंगाई में महंगे कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकती है। ज़फ़र बलोच हमारे साथ हैं। ज़फ़र बलोच, आप क्या बताएँगे? मौजूद हूँ मैं डीजी खान के लंडा बाज़ार में। सर्दी आते ही आवाम ने लंडे बाज़ार का रुख कर लिया है। मार्केट की निस्बत लंडे बाज़ार में चीज़ें सस्ती मुयसर होती हैं और ये गरीब आवाम के लिए तोहफा है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि बाज़ार में आप खरीदारी करने आए हैं तो आपको बाज़ार और लंडे बाज़ार में क्या फ़र्क नज़र आता है? अच्छा, इसमें वेरी सिंपल एक चीज़ है कि यहाँ पर एक तो क्वालिटी मिल जाती है, ठीक है। बाज़ार की नस्बत यह है कि जो लोग यहाँ से चीज़ें ख़रीदती हैं सस्ती भी मिल जाती हैं, क्वालिटी भी मिल जाती हैं और सीज़न निकल जाता है। अब इसी प्राइस में जब आप बाज़ार से गारमेंट चीज़ें लेते हैं वो सिर्फ एक ही दफ़ा चलती हैं और ख़राब हो जाती हैं। मेरा ख्याल से गरीब आवाम के लिए ये इससे बढ़कर ज़बरदस्त चीज़ कोई भी नहीं होगी। आप देखें ना कि आप गवर्नमेंट साहब चले जाएँ मार्केट में तो मार्केट में रश नहीं होगा जितना यहाँ रश है। वजह क्या है? सिर्फ यह कि क्वालिटी है, पैसे कम हैं। लेकिन बेचारे ये जो पठान लोग हैं इनका भी कोई मसले मसाइल हैं, अगर गवर्नमेंट इनको भी थोड़ी सी प्रोटेक्शन दे तो मेरे ख्याल ये और भी सस्ती कर दें चीज़ें, वरना जितनी ये कम रेट में जो लोग मिल रहे हैं मेरे ख्याल इससे बढ़कर जन्नत लोगों के लिए नहीं होगी। ज़बरदस्त चीज़ है जी। जैसा कि शहरी का कहना था कि क्वालिटी में भी अच्छी होती है और गरीब आवाम की पहुँच। ठीक है, ज़फ़र बलोच हमारे साथ आप मौजूद थे और आप हमें इस हवाले से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में कुछ बात करेंगे ननकाना साहब से। आप सब जानते हैं कि बाबा गुरु नानक के 550वें जन्मदिन के मौके पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 550 रुपये मालियत का एक यादगारी सिक्का जारी किया गया है। इस हवाले से सिक्यात्री किन जो है आरा का इजहार करते हैं। हमारे रिपोर्टर समील उस्मानी इन सिक्यात्रियों के साथ मौजूद है। समील उस्मानी, क्या बताएँगे इस हवाले से? मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के 550वें जन्मदिन की तकरीबात गुरुद्वारा जन्मस्थान के अंदर उसका आखिरी रोज़ है और पूरे जोश व खरोश के साथ और मजहबी अकीदत के साथ मनाई जा रही है। मेरे साथ इस वक्त सरदार चरण सिंह मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने जहां पर करतारपुर कॉरिडोर का इफ्तिताह किया है वहीं पर बाबा गुरु नानक के 550वें जन्मदिन की तकरीबात के मुनासबत से एक सिक्का और एक डाक टिकट जारी किया है। उनसे पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। समुचे जगत लेवा संगत नो जर्नी टू करतारपुर वालों बहुत बहुत लख लख बधाइया हो। जो सिखा तो डाक टिकट कढ़ी आ इमरान साहब होना ने, ये सिखा दे बहुत ही बड़े दिल जीते ने ते करतारपुर कोरीडोर खोल के समुची सिख आ जोड़ा उद खुशी की लहर चली हुई आ। तो सिखा जोड़ा लोगों के बड़े टैलीफोन आते हैं, कोई कहता मेरे 100 लैके आ, कोई कहता 200 उत्थे नू लैके असी जिथे जिथे जा रही है संगत वो लैके खरीद के जाएगी। तो मैं होर भी सिख जगत को यह सुनेहा देना चाहता कि दब के वध तो वध सिक्के खरीदे जाने था कि आपां नू पता लगे हर एक घर दे विच एक सिक्का पिया होना चाहिए। जे 12 करोड़ है तो 12 करोड़ सिक्का हर एक सिख के घर दे विच पिया होना चाहिए। एक निशानी है साढ़े 500 साल की तो पाकिस्तान गवर्नमेंट की। असीं बहुत बहुत उसत करते हैं, उन्होंने लख लख बधाई देने जिन्होंने एक एडा बड़ा प्रोग्राम करके सिखा नवाजया। जी ये सिखिया। ठीक है, समील उस्मानी आपका बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप मौजूद थे ननकाना साहब से और वहाँ की सूरत हाल आपने हमारे नाज़रीन के सामने रखी। प्रोग्राम का हमारा वक्त आप खत्म हो चुका है, मुलाकात होगी इंशाल्लाह आपसे कल। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह नेकीबान।